साल बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार तो बन गई, पर पार्टी को कदम कदम पर तकरार का सामना करना पड़ रहा है। पहले मंत्रिमंडल को लेकर खींचतान हुई, फिर विभागों को लेकर चार दिन भोपाल से दिल्ली तक तकरार होती रही। इसके बाद मामला पसंद के बंगले और गाड़ियों पर आकर अटक गया। अब पसंदीदा जिले के प्रभार को लेकर तकरार चल रही है। यही वजह है कि अब तक सूची जारी नहीं हो पाई है। पहले विभाग, फिर बंगला गाड़ी, अब प्रभार के जिलों पर तकरार। दुविधा में फंसी सरकार, विवाद के चलते जारी नहीं हो पाई सूची। कांग्रेस सरकार में मंत्रियों के बीच की खींचतान थमने का नाम नहीं ले रही। पहले विभागों पर विवाद हुआ, फिर बंगले और गाड़ियों को लेकर खींचतान मची रही। अब मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों को लेकर अड़ गए हैं। अधिकतर मंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र वाले जिले का प्रभार चाहते हैं। इसमें गुटों के बीच टकराव की स्थिति भी है। इसे लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ असमंजस में है। यही वजह है कि प्रभार वाले जिले तय होने के बावजूद इसकी सूची जारी नहीं की जा सकी। संभावना जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री के भोपाल लौटने के बाद ये सूची जारी होगी। पिछली भाजपा सरकार मंत्रियों को उनके विधानसभा क्षेत्र वाले जिले नहीं देती थी, लेकिन इस बार कांग्रेस सरकार में मंत्रियों ने अपने प्रभार वाले जिले ही मांगे हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अभी क्षेत्रीय नेता को जिले का प्रभार देना तय नहीं किया है, लेकिन इस फॉर्मूले के लिए कई नेताओं ने सुझाव दिए हैं। अब आपको बताते हैं आखिर क्यों अपना जिला चाहते हैं मंत्री, आखिर क्यों चाहिए अपना जिला। योजना समिति के फैसले लेते हैं, विभिन्न विकास योजनाओं के फैसले होते हैं। जिला योजना समिति की बैठक में प्रभारी मंत्री लेते हैं। प्रभारी मंत्री के हस्ताक्षर से विकास का रोड मैप बनता। जिले में मंत्री महत्वपूर्ण भूमिका रखना चाहता है। अब आपको बताते हैं किस जिले में ज्यादा मंत्री होने से खींचतान ज्यादा है, किस जिले में कितने मंत्री। ग्वालियर जिले से 3 मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, इमरती देवी और लाखन सिंह यादव है। तीनों ही सिंधिया गुट के। प्रद्युमन सिंह तोमर अपने जिले का प्रभार चाहते हैं। गुना जिले से 2 मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया गुट से है। जयवर्धन पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बेटे हैं। दोनों ओर से एक दूसरे पर रजामंदी नहीं बन रही है। इंदौर जिले से 2 मंत्री जीतू पटवारी और तुलसी सिलावट मंत्री बने। दोनों अलग अलग गुटों से हैं। जीतू दिग्विजय खेमे के माने जाते हैं, तुलसी सिंधिया खेमे से हैं। दोनों ही एक दूसरे पर राजी नहीं होते हैं। जबलपुर जिले से 2 मंत्री तरुण भनोट और लखन घनघोरिया मंत्री बने। दोनों ही कमलनाथ खेमे से हैं। यहां संतुलन बन सकता है। भोपाल जिले से 2 मंत्री आरिफ अकील और पीसी शर्मा बने मंत्री। दोनों ही दिग्विजय और कमलनाथ गुट के। दोनों में से किसी ने प्रभारी जिला नहीं मांगा है। खरगोन जिले से 2 मंत्री विजय लक्ष्मी साधु, सचिन यादव मंत्री बने। साधु अपने जिले का प्रभार चाहती हैं। सागर में 2 मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और हर्ष यादव मंत्री बने। गोविंद सिंह राजपूत जिले का प्रभार चाहते हैं। गोविंद सिंह सिंधिया गुट से हैं। हर्ष यादव पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के खेमे से हैं। यहां प्रभारी मंत्री को लेकर तकरार है। सरकार के बीच ऐसे खींचतान अच्छा संदेश नहीं देती है। कांग्रेस में टिकट से लेकर सरकार बनने के बाद मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारे तक जो घमासान मचा, उससे गुटबाजी एक बार फिर उजागर हुई है।
जिससे प्रदेश में गलत संदेश भी जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।